एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। जाने अनजाने उसे पता ना चला, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। डोंट वरी, आपकी अखियों में आंसू नहीं आएंगे, आपकी अखियों में आएंगे खुशी के आंसू जब आप मेरे बताए हुए प्रोग्राम को करोगे फॉलो और मेरी तरह होगे हैप्पी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय डेली ब्लॉग। तो जैसा कि मैंने कल बोला था आपको, आ गई हूँ मैं आज लंच आइडियाज़ लेकर, वो भी हफ्ते भर के, जिनसे आपको मिलेगी थोड़ी सी हेल्प अगर आप हेल्दी वेट मैनेजमेंट करना चाहते हैं। तो बेसिकली हमारी इंडियन थाली होती है दाल चावल सूखी सब्जी रोटी सलाद, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको इससे घी अलग कर देना है और चावल को, बस फिर आपकी थाली कंप्लीट है। और अगर आपने कभी मूंग स्प्राउट सलाद और रायता ये कॉम्बिनेशन नहीं खाया लंच में, तो ट्राई कर लीजिए। सब्जी आप जो भी बनाएं वो सब खा सकते हैं, बशर्ते तेल कम करना है। आलू पत्ता गोभी की सब्जी खाओ, आलू गोभी की खाओ, लौकी खाओ, तोरी खाओ, जो मर्जी वो खाओ। तो काले चने की सब्जी, पत्ता गोभी, आलू, ये बनाई है आपने कभी नहीं बनाई तो इसे भी ट्राई कर लेना। हाई फाइबर हाई प्रोटीन आपको वेजिटेबल मिलेगी, ये बहुत टेस्टी होती है। बाकी आप बीन्स खाइए और आलू को थोड़ा सा साइड कर दीजिए, मतलब सब्जी में से आप बीन्स ज़्यादा ले लो आलू कम ले लो, ये आपको थोड़ा सा ट्रिक अपने आप से करना पड़ेगा। और लौकी इज़ द बेस्ट सब्जी फॉर वेट लॉस, अगर हो सके तो लौकी एक टाइम ज़रूर खाओ। जितना पॉसिबल हो सके गरम गरम ताज़ी बना हुआ खाना खाओ, बहुत हेल्दी होता है। दाल रोटी सब्जी सलाद ये आपकी थाली में मस्ट होना ही चाहिए। प्रोटीन की कमी लगे तो बॉइल्ड एग साथ में ले लो, और जब भूख कम हो तो एक रोटी और दो अंडे उबले हुए कैसे भी मैनेज करके खा लो, कंप्लीट लंच होगा। तो एक दाल और एक सब्जी को सलाद और दो रोटी, इतना आपकी थाली में होना ही चाहिए। सलाद को बिल्कुल स्किप मत करो। और काबुली चने, काले चने, जो भी आपके फुल ग्रेन्स हैं ना, उनको ज़रूर खाइए। और नॉन वेजिटेरियन हैं तो एग करी आराम से खा सकते हैं, लेकिन ये जो फ्राई किया हुआ एग डाला ये नहीं, आप बॉइल्ड एग अलग से निकाल लें और उस ग्रेवी के साथ वो एग खाएं। जितना हो सके अपने रेसिपी में शिमला मिर्च टमाटर प्याज को ऐड करने की कोशिश करें, क्योंकि इनसे मिलता है भरपूर फाइबर। स्पाइसेस बहुत कम रखें, और जितना कलरफुल आप अपने लंच को ब्रेकफास्ट को बनाएं बहुत अच्छा रहेगा। और मैं थोड़ा सा पनीर डालती हूँ ज़्यादातर अपनी रेसिपी में, क्योंकि मुझे पनीर पसंद है। अगर आपको नहीं पसंद तो आप टोफू डाल सकते हैं उसकी जगह। और वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर वीडियो पे न्यू हैं तो प्लीज़ जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तो ये नेक्स्ट प्रिपरेशन मैं बता रही हूँ काबुली चने की, इसको आप एज अ चाट भी खा सकते हैं और रोटी के साथ भी आप लंच में ले सकते हैं। इससे आपको मिलेगा फुल फाइबर और प्रोटीन तो है ही। इस रेसिपी को आप चाट की तरह इवनिंग स्नैक्स में भी खा सकते हैं और लंच में आप एक दो रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो फुल मील होता है ये, आप दही खा सकते हो, लेकिन 14 डेज़ प्रोग्राम में नहीं खाना। आपको 14 डेज़ कंप्लीट करने के बाद, जब नेक्स्ट 14 डेज़ प्रोग्राम जो मैं अभी कर रही हूँ उसमें आप दही ले सकते हो। ये जो मैंने प्रोग्राम किए हैं इनमें दही नहीं लिया है। बस आपको ये कॉम्बिनेशन याद रखना है कि प्रोटीन आपको बहुत सबसे ज़्यादा लेना है, फिर कार्ब को कम करना है, फैट को कम करना है, सलाद और फ्रूट को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। रोटी में आप वेरिएशन कर सकते हैं, ओट्स की रोटी बना सकते हैं, आप बाजरे की रोटी बना सकते हैं। और अगर आपको ये रोटी बनाने नहीं आती तो ये भी मैं शेयर कर दूंगी आपके साथ,
तो ये ओट्स की रोटी है, मैं इसकी रेसिपी आपके साथ फिर शेयर कर दूंगी। अभी केवल आइडिया दे रही हूँ कि आप लंच में रोटी के कितने वेरिएशन कर सकते हैं। आप चुकंदर की रोटी बना सकते हो, दाल से आटा बना लें, आप दाल की रोटी बना सकते हैं, पालक प्यूरी से आटा बना लें, पालक की रोटी बना सकते हैं। रोटी आपको दो ही खानी है, लेकिन आप टेस्ट बदल सकते हो रोटी का। तो ये दाल की रोटी है जो मैं बना रही हूँ। मक्के की रोटी बना सकते हो, तो मतलब आप चाहो तो हफ्ते भर में आप 4-5 तरह की रोटी बना सकते हो। अगर आपको मेरी ये जानकारी थोड़ी भी हेल्पफुल लगी है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। बाय बाय, देखने के लिए धन्यवाद।